नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज दिनांक 14 अप्रैल दिन रविवार 2024 को अयोध्या जिले के सुरक्षित विधानसभा 273 मिल्कीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा धमतुआ विकास खंडाशा मुख्य प्रयोजक ओम प्रकाश गौतम जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान राजेश कुमार यादव जी, मुख्य अतिथि परम सम्मानी डॉक्टर सतीश कुमार जाटो जी और उनकी पत्नी मौके पर मौजूद रही, और मौजूद रहे डॉक्टर दाढ़ी साहब और ग्राम धमतुआ के सैकड़ों महिला पुरुष परम पूज्य बाबा साहब एवं गौतम बुद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंडिया समाचार से रिपोर्टर रामधीन रावत, कैमरामैन सुखदेव गौतम के साथ। और बोलिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अंबेडकर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। आज 14 अप्रैल बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब बोधसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के 135वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय। उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, चाहे वो राष्ट्र के प्रति, चाहे वो अपने परिवार के प्रति, चाहे वो अपने मित्रों के प्रति। यदि अब कर्तव्यशील नहीं है तो आपका कहीं भी अच्छा उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता। और यदि हम अपने भारत को महान बनाना चाहते हैं तो शिक्षा पर हमको सबसे अधिक जोर देना चाहिए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले शिक्षा पर अपना अधिकार किया, और अगर वो इतने शिक्षित ना होते तो जातिवादी जो व्यवस्था थी, वर्णवादी जो व्यवस्था थी, उन्हें कभी इस मुकाम पर नहीं जाने देती। उनकी शिक्षा ही उनका केवल एक वजूद था जो उनको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के गया। इसीलिए मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक विनम्र अनुरोध आपसे यही है कि आप किसी भी
जाति धर्म के हो सकते हैं, आप कैसे भी गोरे काले हो सकते हैं, चेहरे आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा पर आपका संपूर्ण अधिकार है जो हमको भारत का संविधान देता है। क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है आपको आगे जाने के लिए भी, आपको जो है वो रास्ता दिखाता है और आपके आर्थिक स्थिति में भी आपका उज्जवल भविष्य बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो जितना कहना है तमाम वक्ता कहेंगे, तमाम सब कुछ कहेंगे, लेकिन सूर्य को चिराग देना, जैसे बाबा साहब के बारे में कुछ कहने का मतलब है जैसे सूर्य को चिराग दिखाना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने महापुरुषों के, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यदि हम महापुरुष मान रहे हैं और वो हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भी महापुरुष, उनसे पहले जो हमारे महापुरुष आए हैं उनको महापुरुष मानते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये वजूद हासिल किया। गेस्ट हमारे गुरु श्रीमती ब्रजेश कुमारी जी एवं गुरु जी हमारे बड़े भाई एवं आए हुए सभी माताओं बहनों का हमसे हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सबसे पहले हमको चाहे इतना कष्ट झेलना पड़े लेकिन आप शिक्षा पर, अपने बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दीजिए। यही सबसे बड़ा बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का एक वो होगा। बाकी हम कुछ नहीं जो है ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे गुरु जी ने सब कुछ बता दिया है। इसी के साथ हम क्षमा चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। माल्यार्पण करते हैं, आप सभी तालियों के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। हम सभी इतनी देर से सुन रहे हैं, तीन बातें हमसे पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बात को कही। उन बातों की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पे उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और आज की इस सभा का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, उपस्थित गणमान्य सज्जन और हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बच्चे, और जहां तक इस माइक के माध्यम से इस गांव में आवाज़ जा रही है, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और माइक के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं। साथियों, ये हमारे साथ आज पहला अवसर है जब ये जो इस तरह के शरारती तत्व होते हैं कुछ नहीं, बाकी हमारे संविधान में हमारे देश के मैक्सिमम लोग सभी धर्म का सम्मान करते, सभी मानते हैं। ये तो गिने चुने लोग जो कैसा करते हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहेगा मैं रोशन कला कैमरामैन जयंती।